मेंडल्स का तीन लॉ हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब ये हम लोग इसका चौथा लॉ देखेंगे, है ना। वो है बेस्ड ऑन, ये आधारित है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, है ना, ये चौथा लॉ दिया गया है जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अलग। असॉर्टमेंट का मतलब ही बिलगाव, अलगाव, है ना, अलग हो जाना, है ना। इसमें हमको पहले कुछ लिख देने दीजिए, है ना। फेन, अब इसका हमको फेन पेरेंट्स डिफर फ्रॉम इच अदर इन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मोनोहाइब्रिड से अधिक, एक पेयर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड हो जाएगा, एक से अधिक पेयर में अगर ये डिफर करते हैं देन इच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ए सॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू अदर, जब पेरेंट्स एक से अधिक पेयर, है ना, मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं तो प्रत्येक कैरेक्टर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है ना, वही एग्जाम्पल इसमें हम देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए, हम लोग जो सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर देखे थे, सात पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर, उसमें से दो कैरेक्टर हम ले रहे हैं ना। ये कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। सीड, उसमें सीड कलर दिए थे हम, तो मटर का सीड आपको देखिएगा जनरली येलो कलर का रहता है, लेकिन मार्केट में जाइए खरीदने के लिए, कहिए ग्रीन कलर दो हमको, तो ग्रीन कलर भी मिल जाता है। तो ये डोमिनेंट है, उसमें देखे थे आप लोग इसको, और ग्रीन कलर रिसेसिव है। सीड शेप, सीड का आकार आप लोग देखे थे राउंड, सीड इस तरह गोला था, है ना, ये डोमिनेंट है, और रिंकल्ड ये झुर्रीदार हो गया, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम लोग दो पेयर कैरेक्टर का हम लोग क्रॉस करावें, है ना। क्या कराएंगे हम लोग, येल्लो और राउंड ले लें हम लोग, है ना, येल्लो
राउंड हो गया। और दूसरा हम लोग ले लें ग्रीन ऑल रिंकल्ड, ये दोनों रिसेसिव हो गया और ये दोनों डोमिनेंट है ना, ये हो जाएंगे पेरेंट्स। जीनोटाइप हम लोग ले लें वाई वाई है ना, और राउंड के लिए ले लें हम लोग डोमिनेंट है इसे आ रहा, इसके लिए हम लोग स्मॉल वाई लेंगे है ना, क्योंकि उसी का ना प्लांट है इसलिए बदल नहीं सकते हम लोग, और स्मॉल आर ले लें, हो गया ना। इसका गैमिट बनेगा वाई आर और इसका गैमिट बनेगा वाई और आर, हो गया ना। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये येलो डोमिनेंट है ना ग्रीन पर, तो येलो सीड हो जाएगा येलो है ना, और ये राउंड डोमिनेंट है रिंकल पर है ना, इसे येलो और राउंड होगा, हो गई बात। ये हो गया एफ वन जनरेशन, ठीक है। अब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएं, जिस तरह हम लोग टॉल ड्वार्फ लिए थे, टॉल रेड लिए थे, ड्वार्फ व्हाइट लिए थे, उसी तरह सेल्फिंग कराएंगे तो हम लोग इसी से क्रॉस कराएंगे है ना, और इसको क्रॉस करें है ना। गैमिट बनेगा इसका चार गैमिट इसका बनेगा, इस y को r से आप लोग गुना कीजिए, इस y को स्मॉल r से, अब स्मॉल y को ढंग से लिखे नहीं तो स्मॉल y को कैपिटल r और स्मॉल r है ना, और इसको हम लोग फिर बोर्ड बना दें यहाँ पर है ना। इसका भी तो गैमिट वही बनेगा, ठीक है ना, ये भी चार गैमिट बनाएगा, यही गैमिट जो इसमें रहेगा है ना। अब इसका गैमिट हम लोग यहाँ लिखें, एक रो हो गया, दो रो हो गया, ये तीन रो हो गया, एक दो तीन और चार, ये गैमिट हम लोग इधर लिखें, दूसरा गैमिट हम लोग लिखें, तीसरा गैमिट हम लोग लिखें और चौथा गैमिट हम लोग लिखें, ठीक है ना। अब सबको इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा वाई वाई आर आर, हो जाएगा ना, इसको आप लीजिए तो ये हो जाएगा वाई वाई आर आर, कहीं से ये हो जाएगा वाई वाई आर आर है ना, कहीं से किसी को आप लीजिए, ये इसको हम लोग इससे गुणा करें है ना, क्या हो जाएगा वाई वाई आर आर है ना। तो ये तो वही ना है जी डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ये रेशियो कितना आएगा, हम सब नहीं गुणा करें, सब तुम लोग निकालना है ना, सब इसको टेबल भर देना, और टेबल भरोगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, याद है ना, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है 9:3:3:1, ठीक है। तो इसको ठीक से देखिए, तो अब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं जी, यहाँ हम लोग अभी क्रॉसिंग पर दिखा रहे हैं
है ना। चलिए नाइन क्या आएगा, येलो राउंड कितना आएगा ये नाइन। दूसरा येलो रिंकल्ड थ्री, ग्रीन और राउंड थ्री, ग्रीन रिंकल्ड वन। इस समझ में आ रहा है, वहां हम लोग टॉल रेड देखे थे, टॉल रेड नाइन था, टॉल टॉल और व्हाइट तीन था, ड्वार्फ राउंड ड्वार्फ रेड तीन था और लास्ट में ड्वार्फ और व्हाइट वन था। वही रेशियो यहाँ भी आएगा, नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन, ठीक है ना। अब जरा आप बात देखिए एक, है ना, इसको अलग रखिए। हम लोग पेरेंट लिए थे येलो, इधर लिखे थे मिटा दिए हैं, और ग्रीन ये डोमिनेंट है, सात पेयर जो कैरेक्टर बताए थे उसी में से है ये, और ये रिसेसिव है। अगर इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते तो कितना रेशियो होता, एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन निकल रहा है ना, ये जो है ना एफ टू जनरेशन है, एफ टू जनरेशन का उसका रेशियो कितना था, थ्री इज टू वन था ना, थ्री इज टू वन है ना। उसी तरह अगर हम लोग ग्रीन राउंड और येलो है ना, और ग्रीन ले लेते हैं हम लोग सीड और उसको हम लोग क्रॉस कराते है ना रिंकल्ड, नहीं पहले इसको देख लीजिए है ना। तो येलो जरा देखे तो, अब इसमें भी हम लोग देखें येलो कितना है, यहाँ पर येलो यहाँ पर नाइन एक है और दूसरा कितना है थ्री एक है, कितना आ गया ये है ना। दूसरा देखें हम लोग राउंड कितना है, इसमें राउंड भी नाइन है, एक नहीं राउंड ये तो हो ही गया, येलो हो गया। अब हम लोग ग्रीन देखना है ना, ये येलो वाला हो गया और येलो ग्रीन को ना क्रॉस कराना था। ग्रीन कितना है, ग्रीन में देखिए ये थ्री है और यहाँ भी वन है, थ्री प्लस वन फोर हो गया, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा वन, थ्री इंस टू वन का रेशियो आ गया है ना। तो मोनोहाइड क्रॉस वाला रेशियो यहाँ पर आ गया है ना। फिर उसी तरह हम लोग अगर ग्रीन राउंड और रिंकल्ड सीट को क्रॉस कराते हम लोग है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितना आता, थ्री इज टू वन। मोनो हाइब्रिड रेशियो कितना होता है इसका,
3:1। अब जरा इसमें देखिए तो राउंड कितना है इसका, राउंड यहाँ पर एक है, राउंड यहाँ पर है 9, और राउंड 9 राउंड एक जगह है एक दूसरी जगह भी है, राउंड 9 + 3 = 12 हो गया। और फिर रिंकल देखिए, ये कितना है, रिंकल्ड यहाँ 3 है और रिंकल्ड यहाँ 1 है, 3 + 1 ये भी हो गया 4। इसका रेशियो कितना हो जाएगा फिर, 3:1। ये क्या शो कर, इसको बहुत माइन्यूटली समझिएगा तो समझ में आएगा, ये क्या शो कर रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम लोग करते तो जो रेशियो आता तो वो तो 3:1 का आता है, लेकिन जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हम लोग तो कैरेक्टर जो है ना वो सब अलग अलग हो गया है। नहीं देख रहे हैं इसमें पैरेंट क्या है, येल्लो राउंड, तो येल्लो राउंड पैरेंट है, एक पैरेंट यहाँ है, दूसरा पैरेंट ग्रीन विंकल, देखिए ग्रीन विंकल 9 और 3 एक साथ आ गया, पैरेंटल है। लेकिन अब येल्लो जाकर रिंकल से जुट गया है और ग्रीन जाकर राउंड से जुट गया, देखिए तो ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल, ठीक है ना। येल्लो राउंड तो एक आ ही गया है, 9 मैंने पैरेंटल कैरेक्टर 9 है और 1 है, और फिर जो बीच वाला कैरेक्टर है जो सेग्रीगेट किया है, एसॉर्ट किया है, अलग अलग हुआ है, वो है येल्लो और रिंकल्ड, ग्रीन और राउंड, येल्लो और रिंकल्ड, ग्रीन और राउंड, ये दोनों अलग हो गए हैं। तो ये सेग्रीगेशन जो होता है ना वो पेयर ऑफ कैरेक्टर स्वतंत्र रूप से होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि येल्लो जब राउंड से जुटा है तो सभी जगह येल्लो राउंड से जुटे गए, वो अलग हो सकता है। उसी तरह ग्रीन रिंकल्ड से जुटा है तो सभी जगह ग्रीन रिंकल्ड से ही जुटेगा, ये कोई श्योर नहीं है, इनहेरिटेंस में वो स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना शो करता है ना, ये क्या शो करता है, इच कैरेक्टर एसॉर्ट अलग होते हैं इंडिपेंडेंटली इन इनहेरिटेंस, हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, पेयर ऑफ कैरेक्टर अलग से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको देखिए, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं हम लोग तो जो रेशियो आना चाहिए वो हम लोग एनालाइज करके देख लिए, तो मोनोहाइब्रिड का डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही जो है ना पेयर ऑफ कैरेक्टर स्वतंत्र रूप से अलग हुआ है, तब ये रेशियो बिगड़ा है, ये सब अलग अलग हो गया है ना। और इस तरह हम लोग डाई हैबिट क्रॉस भी का भी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देख लिए, है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो यही रेशियो आता तो हम लोग देख लिया, और डाई हैबिट क्रॉस करा रहे तो यही रेशियो जोड़ जाकर समूचा रेशियो वही है, लेकिन कैरेक्टर सब देख रहे हैं ना, ये येल्लो राउंड कैरेक्टर है पैरेंट का और ग्रीन वेरिंकल्ड पैरेंटल कैरेक्टर है। अब ये राउंड जाकर जुट गया है ग्रीन से, देख रहे हैं ना इसमें, और फिर राउंड जाकर जुट गया है ग्रीन से और येल्लो जाकर जुट गया है रिंकल से, येल्लो जाकर देखिए रिंकल से जुट गया है, वो कैरेक्टर एक पेयर कैरेक्टर स्वतंत्र रूप से अलग हो गया है। खाली इस पर ध्यान देना है इतना ही,
ये कैरेक्टर अलग है तब ने जुट गया है, ये और ये कैरेक्टर अलग है, ये और ये कैरेक्टर अलग है, है ना। पैरेंटल कैरेक्टर ये दोनों एक जगह आ गया है 9 और एक जगह आ गया है 1, लेकिन ये कैरेक्टर जाकर इससे भी जुट सकता है ना, और ये कैरेक्टर जो है ना वो जाकर इससे भी जुट सकता है, ठीक है ना। ये रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। अब अगला जो है ना हम लोगों का होगा, देखेंगे आगे क्या है ना, फिर हम लोग मिलेंगे।